हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रोवेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सो इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ सो so, जिन्होंने मतलब ये मॉक टेस्ट नहीं दिया जो मेरे ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है वो लोग चेक कर लेना इस वीडियो को और जल्दी से जल्दी रुवेल सर अकेडमी ज्वाइन कर लो फॉर मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन क्लास सो so, सिर्फ टू हंड्रेड रुपीज़ ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ में आपको मतलब पूरा रेगुलर क्लास मिलेगा साथ ही साथ टेस्ट भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिससे मतलब आपका एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा इससे मतलब आप लोग पढ़ सकते हो सो so, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ज्वाइन करने के लिए ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ मंथली फीस पे कर देना थ्रू यू पी आई यानी फोनपे जीपे या पे या एम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ सो so, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन

ऑप्शन बी यानी द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखना सो so, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सो थ्रू दिस मतलब सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया इंडिया पे ये इंडिया का वो जगह था कैलकाटा तो वहाँ पे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब एस्टेब्लिश किया गया थ्रू दिस एक्ट ये भी याद रखना सो वन चीफ जस्टिस था और टू अदर जजेस थे ये भी याद रखना सुप्रीम कोर्ट के बारे में और फर्स्ट जो रे, जो रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो है ऑप्शन बी यानी द रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन के द्वारा क्वेश्चन नंबर टू हुई वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिजिग्नेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट डेजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवेंटी थ्री ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन सो कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग भी मॉक टेस्ट के हिसाब से लो सो so, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी चार्टर एक्ट ऑफ एटीन ये याद रखना सो <coughs> फर्स्ट so, कौन थे ये भी क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉल इंटर रिफॉर्म मोहल्ला में रिफॉर्म आया था नाइनटीन जीरो नाइन पर यह भी याद रखना नंबर वन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नंबर टू द डिस्कशन ऑन बजट इंक्लूडिंग सप्लीमेंटरी क्वेश्चन वॉज अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर थ्री मुस्लिम आयर गिवेन सेपरेट इलेक्टोरेट सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन एंड टू ऑप्शन बी वन एंड थ्री ऑप्शन सी टू एंड थ्री ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबाब इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबाब सो एक बार देख लो आप लोग मोल्य विटो रिफॉर्म जो 1909 पे आया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इसमें मतलब क्या हुआ प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गया साथ ही साथ देखो द डिस्कशन द बजट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते थे बजट में तो पहले ऐसा नहीं था फॉर द फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम हुआ और साथ ही साथ देखो नंबर थ्री मुस्लिम एग्रीमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट यानी नाइनटीन जीरो नाइन पे मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम लोगों को मतलब मुस्लिम लोग अपने लेजिस्लेटर को मतलब खुद चुन सकते हैं अपने बुट से ही सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु द फॉलोइंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नंबर बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी नान ऑफ द एब इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर सचिदानन्द सिन्हा ये याद रखना वो कह सकते हैं टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे क्वेश्चन नंबर फाइव और परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन हुइ डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाई द मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैबाब सॉरी तो क्विकली पढ़ने में मैं थोड़ा सा इधर गलत कर दिया सो नंबर ए ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी नंबर बी ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी नंबर सी ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑप्शन डी नान ऑफ दैबाब इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सिक्स हुए ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नंबर वन इट इज बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज ऑप्शन नंबर टू इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन नंबर थ्री इट वॉज मल्टी पार्टी असेंबली नंबर फोर इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़ सो कौन सा राइट आंसर होगा देखो नंबर जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज ये गलत है नंबर टू इट रिज़ल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन ये भी गलत है ये मतलब कह सकते हैं प्रोफोशनल रिप्रेजेंटेशन था सो so, ये दोनों गलत है देखो इट वॉज ए मल्टी पार्टी असेंबली सो इसमें मतलब कह सकते हैं बहुत सारे पार्टी था कांग्रेस बाकी ऑल अदर मतलब बहुत सारे पार्टी थे सो so, कह सकते हैं ये सही है नंबर फोर इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज ये भी सही है सो नंबर थ्री और एंड फोर करेक्ट है uh, और देखो सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी वन थ्री एंड फोर सो इट इज़ बेस्ट सो सॉरी इसमें मतलब ये गलत हो गया इट इज़ बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी ये सही नहीं है सो नंबर थ्री एंड फोर ऑप्शन इधर नहीं है सो राइट आंसर होगा नंबर थ्री एंड फोर आप लोग करेक्ट कर लेना कल के टेस्ट में मैंने ये क्विकली मैंने दे दिया था सो so, इधर चेक करके मैं बोल रहा हूँ अभी कल जिसका मतलब गलत हुआ था टेस्ट पे वो लोग सही कर लेना इसमें सो इट वाज मल्टी पार्टी असेंबली इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज ये राइट right आंसर है और नंबर सेवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट अबाउट द मोंटेगो चांस रिफॉर्म नंबर वन इट वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दैट नंबर टू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पॉन्सि गवर्नमेंट इज द ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री सेंट्रल एंड प्रोविशियल सब्जेक्ट व्यू सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर फोर बोथ द बाइमारियलिज्म एंड द डायरेक्ट इलेक्शन वे आर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम सो कौन सा करेक्ट है इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी uh, यानी ऑल ऑफ द एबाब ये याद रखना सो so, देख लेते हैं फिर से मोन्टेगो चैम्स फॉर रिफॉर्म ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन सो इट वॉज डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पांसिबल गवर्नमेंट सो इसमें क्या हुआ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होगा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सो ये देखो ये सही है गलत है आप लोग देख लेंगे नंबर थ्री देखो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट आय सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर फोर बाय बोथ बाय एंड द डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम सो ये सही है सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एब यानी इट वॉज डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ये होगा साथ ही साथ जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुए सेपरेट कर दिया फर्स्ट टाइम और बहुत बाई इलेक्शन ये भी शुरू हुआ था फर्स्ट थ्रू मोन्टेगो थैंक्सॉ रिफॉर्म क्वेश्चन नंबर देखो एट हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है नंबर ए द डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर ट्वेंटी फोर्टी नाइन नंबर बी द सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सो so, ये सही है नंबर सी फोर्टी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज डन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ये भी सही है सोशियल एंडिक सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो ये सही है सो so, इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए यानी द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नवंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी नाइन ये गलत है so, सो ये कब हुआ था इंप्लीमेंटेशन हुआ था ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ये याद रखना क्वेश्चन नंबर नाइन हु एमंग द फॉलोइंग सेट दैट प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ए अरनेश बर्कर नंबर बी जवाहरलाल नेहरू नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी अरनेश बर्कर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा अर्नेश बर्कर क्वेश्चन नंबर टेन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रियम्बल हैज़ बीन एमेंडेड बाय व्हिच एमेंडमेंट एक्ट सो प्रियम्बल एक ही बार एमेंड हुआ था सो so, देखो ट्वेंटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेकेंड फोर्टी फोर फोर्टी सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंट सिक्स सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू